गंगा में शिवजल भर करके पहुंचाएगा। महाराज हरिचंद पहले दिन सारे दिन रोड़ों पर झाड़ू लगाते रहे, सफाई करते रहे, शाम को भोजन बनाने बैठे तो विश्वामित्र शादी के भेष में आके बैठ गए। बोले भैया हम भूखे हैं कई रोज के, थोड़ा भोजन हमें दे दो। भोजन की बात कही मेरे बहन भाई, उस समय राजा हरिचंद इतना बड़ा दानी था, जब सर्वश्रृंगार दिया तो किसी अतिथि को भोजन न दे, भोजन पर्श दिया सारा भोजन का। दूसरे दिन भोजन का वक्त हुआ, भिखारी बन के आ गए तो भोजन खा गए। रोजाना रूप बदल बदल के आते रहे, भोजन के समय आके बैठते रहे। आए हुए अतिथि को महाराज हरिचंद ने विमुख नहीं जाने दिया। 40 दिन हो गए भोजन विश्वामित्र ने नहीं करने दिया, लेकिन तब भी राजा हरिचंद वो भी अपने सत्य धर्म से इतना निष्ठा रखता था कि वो हटा नहीं। अब आप सोचिए भक्तों, एक दिन भोजन न मिले तो बहुत सूख जाता है। अन्न बिना सब अन्न मने बैरागी और भूख सिकुड़ जाए सब आत्मा बिगड़ जाए सब। अन्न ही खेले अन्न ही कूदे अन्न लड़े गज कोटल से, और बाबा जी जब भजन करें जब पेट भरे दो रोटी। हमारे मटकनानंद बैठे थे पंडित तरफ शौचालय, एक दिन भोजन अगर ना मिलो तो भजन नहीं होगा भैया, क्योंकि भोजन के बिना कुछ होता ही नहीं है। गाड़ी में डीजल जब नहीं होगा तो फिर कैसे गाड़ी चलेगी। महाराज का शरीर दुबला पतला हो गया, जर्जर हो गया, महाराज घड़ा भर में गए हैं गंगा में, रानी तारा भी घड़ा भर में आई है, अन्य लोग भी नगर के जल भर में आ रहे हैं, महाराज से घड़ा नहीं उठा। मेरे बहन भाइयों, जब महाराज से घड़ा नहीं उठा तो महाराज थकी थकी आंखों से चारों तरफ को देख रहे हैं। इससे कहे क्योंकि जात पात का छुआछूत मेरे देश में समय बहुत बड़ी संख्या में था। रानी तारा दिखाई दे गई, वक्त पर कितना भी बैर क्यों हो जाए बंधुओ अपना ही काम आता है, अपने ही को दुनिया याद करती है। चाहे कितनों है जय पैर पक्त सुन अपने की याद है, और अपना ही खून काम देता है वक्त पर बिना कहे। महाराज हरिचंद ने तारा को देखा तो खड़े हो गए, तारा तारा तनक पहली हो रहा। पहले हमारे देश में माता बहनों के नाम जानने की प्रथा नहीं थी, केवल इतना ही जानते थे कि किसी की बिटिया है या किसी की बहू है या किसी की माँ है या किसी की दादी है अम्मा है, इस नाम से जाना जाता था। ये कोई नाम नहीं जानता था क्या श्री नाम राम ढकेली है या चप्प कलाई है। अब तो घर घर बोध दृष्टि चल गई है ना, आधार कार्ड रोजाना लेकर हो रहे हैं तो सब लोग जानते हैं, बाकी बहुत को का नाम है, बाकी दादी को का नाम है, बाकी अम्मा को का नाम है। पहले नहीं, तारा नाम कर दिया, घर के सदस्य जानते थे, तारा खड़ी हो गई, दो चार कदम आगे बढ़ी, महाराज को पहचान लिया। महाराज की दैनिक दशा देख करके उसकी आत्मा द्रवित हो गई, आए प्रभु ये क्या हाल हो गया मेरे प्राणनाथ का, आंखें में आंसू भर के बोली